ओके चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में हम लोग बर्ड स्टडी कर रहे हैं और बर्ड स्टडी के अंदर हम लोग एक क्रो बनाएंगे, कौवा। ठीक है, तो हमेशा की तरह मेरा आपसे ये एडवाइस रहेगा कि जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो हमें सबसे पहले जो हम एरिया लेते हैं, जो हमारी शीट है, उसका अंदाज़ा लेना चाहिए और उसका अंदाज़ा लेने के बाद ही आपको जो आपका सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो ड्रॉ करना चाहिए। अब जैसे ये शीट है तो इतना बड़ा कौवा नहीं होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सटीक साइज़, एग्जैक्ट साइज़ आपको अंदाजे से जो है ना लेना पड़ेगा और वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आता जाएगा। रेफरेंस आपके पास होना चाहिए, बिना देखे आप नहीं बनाओगे, रेफरेंस देख के बनाना है। सबसे पहले ये जो मेरी स्पेस है उस पर मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बिल्कुल आप देखिए एक लाइन बना रहा हूँ कि मेरा जो क्रो है वो यहाँ तक ख़त्म होगा, ये उसका सिर का पार्ट होगा और ये उसकी चोंच होगी। तो मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मेरा जो कौवा है वो इतना ही होगा, इससे बड़ा मैं उसको नहीं बनाना चाहता। मे बी लिटिल बिट स्मॉलर आई कैन मेक, बट बड़ा नहीं बनाना। अब ये अगर आप संतुष्ट है, इससे आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, तो फिर आपको सबसे पहले उसका हेड की ड्राइंग करनी है। आपको पता है कौवे का हेड जो है वो जैसे तोता है वो गोल होता है, कबूतर थोड़ा सा राउंड होता है, लेकिन कौवे का जो सिर है वो थोड़ा सा चपटा ओवल शेप होता है। अब इसके बाद उसकी गर्दन आती है, तो आप थोड़ा सा गर्दन की ड्राइंग करोगे और उसके बाद जो उसकी विंग है, पंख जुड़ा होता है उसका, तो वो एरिया आता है, तो आप थोड़ा सा उस एरिया को बनाओगे और पंख नीचे से इस तरीके से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा इसको टेल को एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, तो ये आपका लगभग कौवे का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे उसकी चोंच होती है, आपको पता है उसकी चोंच थोड़ी सी लंबी होती है, आप थोड़ी सी लंबी चोंच बना दीजिए। ये अब हम आते हैं पैरों के पास, तो पैर कहाँ होते हैं? पैर बीच पेट में नहीं होते, पैर यहाँ पे होते हैं जहाँ पे ये विंग और ये टेल वो हो जाती है ना, मिलती है यहाँ पे पैर। तो आप एक पैर, क्योंकि वो एक डाली पे बैठा हुआ, एक ब्रांच पे बैठा हुआ हम बना रहे हैं, तो पैर थोड़े फोल्डेड हम दिखा सकते हैं। ठीक है, एक पैर आप बना दीजिए, दूसरा पैर इसके पीछे आ सकता है। ठीक है, और ये हमारी ब्रांच होगी जो हम बनाएंगे। ये ब्रांच हम आगे जाके इस तरीके से काट सकते हैं, आगे जाके उसको ये छोटी होगी, यहाँ से बड़ी है तो आगे जाके ऑब्वियसली वो थोड़ी सी छोटी नज़र आएगी। यहाँ हम उसके दो सब ब्रांचेस बना सकते हैं और फिर हम उसको छोड़ दीजिए ऐसे आगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा केवल सूखी सूखी ब्रांच ना दिखे, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे पेड़, थोड़े से पत्ते बनाने हैं और ऊपर से भी थोड़ा सा इस पिक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक ब्रांच बनाना चाहता हूँ। उसका मैं केवल टहनी जो होती है ना उसकी ड्राइंग मैं कर रहा हूँ और थोड़ा सा लीव्स का सजेशन दे के छोड़ रहा हूँ। अब हमें थोड़ा सा डिटेल में ड्राइंग करने की ज़रूरत है, अब हम आते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले मैं उसकी जो आइज़ की लोकेशन है वो पक्की कर लेता हूँ। यहाँ पे आइज़ आएगी, आँख आएगी उसकी, आई आएगी। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से अब डिटेल ड्राइंग आपको करनी है। ये चोंच नीचे का पार्ट, थोड़ा सा मुंह, गर्दन थोड़ी सी नीचे आ रही है और बॉडी के साथ जुड़ जाएगी। अब सिमिलरली यहाँ से ये पोर्शन थोड़ा सा सीधा आता है। अगर हम पतली गर्दन करेंगे तो कौवा नहीं लगेगा, कौवे की गर्दन थोड़ी मोटी होती है, वो कबूतर जैसा थोड़ा सा लग जाएगा, इसलिए हम मोटी गर्दन चौड़ाई रखेंगे इसकी और फिर हम सीधा वहाँ से नीचे आएंगे जो विंग्स इनके ख़त्म होते हैं। तो विंग्स स्टार्ट होंगे यहाँ से, ये विंग की लाइन होगी, इस तरफ का जो पंख है वो दिख रहा है हमें, तो वो पंख थोड़ा बड़ा होता है, आपको पता ही है उसकी बड़े बड़े फेदर्स होते हैं, तो वो हम यहाँ तक इतना बनाएंगे और फिर उसके नीचे से लंबे फैदर के ये उसकी टेल होती है। टेल आप थोड़ी एक्सटेंड कर सकते हैं ड्राइंग करते करते। अब जो पैर का हमने वो लिया था, सजेस्टिव लाइन ली थी, अब उसके पीछे क्योंकि उसका पैर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि कई बार बैठता है उठता है उस पैरों के भरोसे सहारे, तो थोड़ा सा ये मोटा किया और इसको ये जो छोटा हिस्सा होता है ये आगे का हिस्सा, यहाँ तक फेदर्स होते हैं और यहाँ फेदर नहीं होते, आप किसी भी बर्ड का देखोगे तो,
तो ये हिस्सा थोड़ा सा पतला होगा जो उसका एक्चुअली बोन जैसे स्ट्रक्चर है, और ये ग्रिप करता है इस टहनी पे। तो आप एक दो ऐसे तीन वो बना के एक पीछे भी उसका थोड़ा सा क्लॉ बना सकते हो। अब यहाँ से हम ब्रांच को निकाल रहे हैं ये। अब दूसरा पैर थोड़ा सा हमें दिखेगा, दूसरा पैर हमेशा जब वो ऐसे रखते हैं तो थोड़ा ओवरलैप होके ही दिखेगा। तो आगे ये ब्रांच। अब मेन ड्राइंग मेरे कौवे की हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, अब सीधा स्केच पेन लेता हूँ, बिकॉज ये ब्रांचेस वगैरह आपने कई बार बनाया तो वो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये सबसे पहले मैं उसकी आँखों का वो बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इसके बाद ये लाइंस, अब देखिए ये पंख होते हैं थोड़े से, तो आप बहुत सीधी लाइन नहीं बनाएंगे, थोड़ी लाइन आपकी रफ हो सकती है, बिकॉज़ ये पंखों से भरा हुआ है, फेदर्स मतलब टेक्सचर बहुत होता है, स्मूथ नहीं होता है। तो इस तरीके से आप जब ड्रॉ करोगे तो ऐसा होना चाहिए कि आप फेदर्स ही बना रहे हो। तो उसकी आउटलाइन आप देखिए, सिंगल आउटलाइन नहीं बनेगी, उसके कई इस तरीके से आउटलाइन थोड़े से बन सकते हैं। बाद में ये कलर से ओवरलैप तो हो ही जाएंगे। तो ये यहाँ पे ये लाइन थोड़ी यहाँ पे ऐसे करते करते, बिकॉज़ ये एक के बाद एक ऊपर होता है फैदर, ये थोड़ा सा हम इस तरीके से करके थोड़ा से यहाँ पे भी हम इन लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। अब हम थोड़ी सी जो टेल है उसके ऊपर आते हैं, टेल की ड्राइंग करेंगे। ये लंबे पंख होते हैं आपको पता ही है, यहाँ तक। अब ये पैर, ये एक क्लॉ बना दिया, दो क्लॉ मैं दिखा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाने की ज़रूरत है। ये सिमिलरली दूसरे पैर की भी मैं ड्राइंग, उसका भी मैं एक ही क्लॉ दिखाऊंगा। और ये मेरी ब्रांच की लाइन है जो कहीं कहीं से आगे दिखेगी, बिकॉज़ मैं इसमें पत्ते भी बनाने वाला हूँ। मैंने जैसे बताया था आपको, ये आपका पेड़ बहुत सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है, आपको पता है। यहाँ से दो ब्रांचेस आप बना दीजिए और फिर इसमें सजेस्टिव वो, पहले हम ब्रांचेस बनाते हैं। ये मुड़ गई, यहाँ से भी मुड़ गई, ये ऐसे हो गई। ये अब देखिए, मैं ये जो ब्रांच बनाई है उसके साथ साथ अगर मुझे थोड़ा सा पत्ते बनाने हैं तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं थोड़ा सा आउटलाइन, ये मैंने एक क्लास आपकी शुरू शुरू में ली थी, उसमें भी बताया था आपको कि आप एक एक पत्ता कभी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो आउटलाइन वॉल्यूम जो है ना, पूरा उसका जो शेप दिखता है ब्रांचेस ब्रांच के बाद पत्तों का, वो आपको कैच करना है। क्योंकि अनगिनत पत्ते होते हैं एक पेड़ पे, तो आप कितना बनाओगे, मोटे पतले जो भी हो उसका कैरेक्टर देखना है। ये जो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं थोड़े से छोटे पत्ते हैं, ये सजेशन दे रहा है ड्राइंग करके। अब हम थोड़ा नीचे से देखते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा ब्रांच को देखो ओवरलैप किया, ये लाइन मैंने इसलिए छोड़ी थी, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप किया, ये भी थोड़ा सा ऊपर से ड्रॉ किया, और इतना करके आप इसको छोड़ दीजिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग करके ये नीचे का हिस्सा थोड़ा बन जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये हम थोड़ा सा कंप्लीट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी टेल एंड है ब्रांच की, तो ये पूरी पूरी दिखती है, ख़त्म हो रहा है ना यहाँ पे ब्रांच। ये अब थोड़ा सा इसका ये हिस्सा रहता है कव्वे का, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बीच की लाइन, नीचे की लाइन चोंच थोड़ी बॉडी के अंदर जाएगी ये ऐसे, और ये अब जब इतना बना दिया है, इसके बाद आपको ये इरेजर से जो पेंसिल की लाइंस थी, आपने देखा कितना लाइट ड्राइंग है मेरा, इसलिए मेरा इरेज भी बहुत जल्दी हो जाता है। आप लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि खूब सारा डार्क लाइन का ड्राइंग जो है ना वो करते रहते हैं, तो फिर वो शीट के अंदर घुस जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से आप उसको हटा के आपकी ड्राइंग जो है वो कलरिंग के लिए तैयार है।